अस्पताल के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और जो काम दिल्ली सरकार ने किया उसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े नेता दुनिया के दिल्ली आते देख रहे हैं, दुनिया भर के अखबारों में उसकी चर्चा हो रही है। ये पूरे देश के लिए 130 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। सबका सीना चौड़ा हो जाता है जब देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इतना शानदार आर्टिकल छपा है, इसके बारे में अखबारों में। जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत का विकास हो, जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो, वो सारी ताकतें अभी से रोकना चाहती हैं। अभी तक छोटे मोटे तरीके से, जैसे मुझे सिंगापुर बुलाया, इन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं यार दिल्ली सरकार के संदर्भ में ऐसी सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं हमारे खिलाफ, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। दिल्ली की आज जो सरकार है, इतिहास की सबसे लोकप्रिय सरकार है, जिस वास्ट मेजोरिटी में, उस सरकार को गिराने के लिए सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई और दिल्ली की सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है। लेकिन हमारे MLA, हमारे मंत्री सब एकजुट हैं, कोई नहीं बिखरा, कोई नहीं टूट रहा, क्योंकि किसी ने कोई गलत काम नहीं किया, किसी को पैसे की हवस नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। दिल्ली के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जिन लोगों को वोट दिया है, एक एक हीरा है, कोई नहीं टूटेगा, सरकार काम करती रहेगी, अच्छा काम करती रहेगी। ये झूठे केस एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे केस करेंगे, चिंता मत करो। मुझे कहा जा रहा है कि शायद गुजरात चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जब तक भी जारी रहेगा, हम मजबूत हैं, डटे हुए। सब जांच करो, मेरे ख्याल से पहले जांच तो करवा रखी है, इसमें दोबारा जांच करा। एक जांच इन्होंने, आपको याद है जब हमारी पार्टी नई नई बनी थी, वो आए थे दिल्ली, उन्होंने कहा था रात के अंधेरे में, चांदनी रात में, कुछ काली रात में कह रहे थे, कोई हमने पैसे चोरी कर लिए थे, हम आम आदमी पार्टी को डोनेशन आया था। तो यार 2013 की बात है, 2013, आज 9 साल हो गए, क्या हुआ उसका? अभी जेल नहीं भेजा मेरे को, क्या हुआ उस जांच का? कह रहे थे रात के अंधेरे में केजरीवाल ने पता नहीं किससे पैसे ले लिए, उस जांच का क्या हुआ? 2016 में मनीष सिसोदिया के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट देने में पैसे खाए, उसका फात है। इनके घर CBI की रेड पड़ी उस मामले में, 7 घंटे CBI ने उनसे जांच क्वेश्चनिंग करी उस मामले का, क्या हुआ? फिर इनके ऊपर एक और मामला करा कि और जांच कर लें, सारी जांच कर लें जितनी तुम्हारी जांच एजेंसी, ये शोभा नहीं देगा। सुबह से शाम तक सवेरे उठते आप ये सोचते हो अब मैं इसको महाराष्ट्र की सरकार गिराऊं, अब मैं गोवा की सरकार गिराऊं, अब मैं मध्य प्रदेश की सरकार गिराऊं, अब मैं दिल्ली की सरकार गिराऊं, काम कब करोगे, देश की तरक्की कब करोगे? अरुणी कल आपने ट्वीट किया और कहा कि सीरियल किलर जो है वो लगातार कर, मतलब जिस तरह से ये एक के बाद एक सरकारों को गिराया जा रहा है, वो एक तरह से कहने का तरीका था, जिस तरह से सरकारों को गिराया जा रहा है, एक के बाद जनता सरकार चुनती है, किसी भी पार्टी की हो, पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, जनता सरकार चुनती है। अगर आप जनता की चुनी हुई सरकार को गिराते हैं तो आप एक तरह से जनता के ऊपर हमला करते हैं सर, जनता ये पसंद नहीं करती सर। और दूसरी चीज, ये पैसा कहाँ से? अभी तक हमने कैलकुलेट किया, इन लोगों ने शायद 277 MLA अभी तक ये छोड़ के इनकी पार्टी में गए सर, 277 MLA। अब अगर 20-20 करोड़ रुपए भी लगाओ, वैसे तो हमें पता सुना था कि वहाँ 50 करोड़ दिए, वहाँ मान लो 20 भी लगाओ तो 5,500 करोड़ रुपए से MLA खरीदे इन लोगों ने, 5,500 करोड़ रुपए कहाँ से आई है पैसा? ये आपकी जेब से गया है, ये आपकी जेब से गया है। ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? ये सारा इधर ही जा रहा है। ये डीजल महंगा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये इनके दोस्तों की कर्जे माफ़ करने में जा रहा है। ये जो अभी जब महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो इन्होंने GST छाछ पे, दही पे, दूध पे, गेहूं पे, चावल पे GST लगा दी, महाराष्ट्र की सरकार गिराने को पैसा चाहिए था। जनता को पीस के, जनता का खून चूस के अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं और उनका MLA बहुत बहुत